कामुक प्रतिमाएं और उत्तम शिल्प कला के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर अपरंपरागत कला के धर्म और आध्यात्मिकता के अद्भुत मिलन के लिए जाने जाते हैं। मगर इसके इतिहास के ऐसे आज भी कई पहलू हैं जिसके बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंडेल शासकों द्वारा 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था, जिनकी राजधानी खजुराहो थी और यहां से उन्होंने अपना शासन बुंदेलखंड में चलाया। हिंदू धर्म के वैष्णव और शैव संप्रदाय और जैन धर्म को समर्पित इन मंदिरों की संख्या कभी 85 हुआ करती थी, मगर उपेक्षा और विनाश के कारण आज इनमें से सिर्फ 22 मंदिर बचे हुए हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से इन मंदिरों का संरक्षण किया जाने लगा था। आइए आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। खजुराहो के नाम का मूल अभी भी रहस्य की चादर में ढका हुआ है। कई तथ्यों की माने तो इसका मूल संस्कृत शब्द खजूर वाहक से बताया जाता है, जहां खजूर का अर्थ खजूर नामक फल और वाहक का अर्थ ले जाने वाला होता है। हालांकि ये भगवान शिव का एक प्रतीकात्मक नाम भी है, जिसका अर्थ है वो जो अपने रौद्र रूप में सांपों और बिच्छुओं के हार को पहनते हैं। मगर स्थानीय परंपराओं की अगर हम माने तो इसका अर्थ दो सुनहरे खजूर के पेड़ बताए जाते हैं, जिससे इस शहर का एक द्वार अलंकृत हुआ करता था। सन 885 ईस्वी में निर्मित 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे पुराना जीवित मंदिर है। जहां भारत के ज्यादातर 64 योगिनी मंदिरों का प्लान गोलाकार होता है, वहीं खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर का प्लान आयतकार या रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण ये मंदिर भिन्न है। आज भी बहुत लोग ये नहीं जानते कि जिन कामुक प्रतिमाओं के लिए खजुराहो के मंदिरों को जाना जाता है, इनकी संख्या कुल मिलाकर महज 10% है। वहीं अधिकांश प्रतिमाएं आम दिनचर्या के पहलू, पौराणिक कथाओं और यहां तक धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाते हैं। खजुराहो के मंदिरों में वेदों में बताए जाने वाले 4 पुरुषार्थ को देखे जा सकते हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन मंदिरों में जीवन के संपूर्ण रूप को दिखाया गया है। पंचायतन शैली में निर्मित लक्ष्मण मंदिर में वैकुंठ विष्णु की मूर्ति शामिल है। माना जाता है कि ये चंडेल शासक यशोवर्मन द्वारा कश्मीर से एक युद्ध में जीते पुरस्कार के तौर पर 10वीं शताब्दी के मध्य में लाया गया था। इस मूर्ति के केंद्र में भगवान विष्णु को दर्शाता मानव सिर है और दोनों तरफ से विष्णु के सुअर अवतार वराह और सिंह के नरसिंह अवतार के सिर शामिल है। खजुराहो के जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर को गणित विज्ञान के साथ मेल के लिए माना जाता है। यहां एक ऐसा माया वर्ग या मैजिक स्क्वायर है जिसके वर्गाकार खानों में रखे अंकों का योग हर ओर से बराबर होता है। 34 यंत्र नामक वर्ग में 1 से 16 तक के अंक हैं। अगर आप हर कोनों से इन अंकों को जोड़ें तो इनका योग 34 ही आता है। आज खजुराहो के मंदिर चंडेल शासकों के समय में मौजूद उत्तम शिल्प कौशल का साक्षी है, जो अपने अद्भुत इतिहास की खोज के लिए भारत और अन्य देशों से सैलानियों को अपने भीतर आकर्षित करता है।